तो ये है सेवन सिस्टर हिल्स का नज़ारा, काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। और हम लोग चलते ही जा रहे हैं अभी। अब बस पानी ख़त्म हो चुका है हमारे पास का, और नीचे जाने की हम लोग सोचेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। हम लोग जब मॉर्निंग में आए थे तब यहाँ पे बहुत कम लोग थे, लेकिन अब जैसे कि टाइम होते जा रहा है मॉर्निंग से दोपहर तक का, तो ये भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। एक बात माननी पड़ेगी, ऊपर आने के बाद पूरी थकान चली गई है। नहीं, अरे अगर गोटू को स्काईडाइविंग करे ना तो अपन जाएंगे फिर, वो नहीं क्या जिंदगी ना मिले दोबारा। स्काईडाइविंग, स्कूबा डाइविंग और क्या पैराग्लाइडिंग अपन ने एक तो के कर ली, पैरासीलिंग तो कर ली। हाँ, और अभी आपसे कूदना बाकी है। रिवर राफ्टिंग वगैरह की हो गई अपनी और पैराग्लाइडिंग भी हो गई, अभी आपसे कूदना बाकी है।
सो कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, बस फिटनेस अच्छी चाहिए। और भाई तेरा? अमेजिंग, ऐसा नागपुर के आसपास कभी एक्सपेक्ट। क्या रिकमेंड करना चाहोगे अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो? थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक साथ में रखो, करो। कुछ छपरी लोग भी आए यहाँ पे, ये चीज चल जा रहा है ना। चलो बहुत जोरदार है। मरुन जाते है माणूस आता है। सही बोला, वो इतना पसीना आता है कि भाई मर ही जाए कोई। बस अपने साथ पानी रखो और कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहो। आगे रास्ता ऐसी है कि भैया? हाँ ऐसी है। सॉरी, हम लोगों के साथ एक स्पाइडरमैन भी है जो आगे निकल चुका है। सो फाइनली हमारा स्पाइडरमैन मिल गया। ए स्पाइडरमैन, यहाँ पे सोना कंपलसरी है, हम भी सोए थे भैया। हम लोग भी यहीं टिका दिए थे आधा घंटा। तो वापस से रिजॉइन हो गए हम लोग। ये जो स्पाइडर मैन है ये आगे निकल चुका था भाई। इसको एनर्जी कहाँ से आती इतनी? इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार चैनल को।